नमस्कार स्माइल फैमिलीज यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, कुत्ते को रोटी खिलाने के 8 फायदे जान लो, कभी दुखी नहीं रहोगे। दर्शक बंधुओं, आज की कहानी आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। इस कहानी में मैं कुत्ते के बारे में बता रहा हूं। अक्सर हम कई मौकों पर कुत्तों का नाम लेकर मिसाल दिया करते हैं। किसी को गाली देते हैं तो कुत्ते का नाम जुबान पर आता है। गाली आदमी को देते हैं पर नाम कुत्ते का बदनाम होता है। क्या कुत्ता इतना गया गुजरा जीव है? हमने उसे कभी खिलाने पिलाने के बारे में तो नहीं सोचा। चाहे कितने ही दिन से भूखा द्वार पर पड़ा हो, लेकिन हमें कभी उसका नाम इस्तेमाल करने में लज्जा नहीं आई। आपसे निवेदन है कि 5 मिनट का समय निकालकर इस कहानी को जरूर सुन लेना, शायद आपकी सोच बदल जाए। एक कुत्ते ने अपने जीवन की कहानी कुछ इस प्रकार बयान की कि हे दुनिया के लोगों, हम पर रहम करो। हमारा कोई घर नहीं होता, कोई आश्रय नहीं होता, कमाकर खाना हमें नहीं आता, हमें वस्त्र भी पहनने का ज्ञान नहीं है, इसीलिए सर्दी गर्मी बरसा में हम ऐसे ही घूमते रहते हैं। हमें पढ़ना लिखना नहीं आता, आपकी तरह हमें अनुशासन नहीं आता, हमें आपकी तरह बोलना नहीं आता, यह हमारा दुर्भाग्य ही समझिए, पर हमें आपकी तरह भूख भी लगती है, चोट लगने पर हमें आपकी तरह पीड़ा भी होती है, हमें आपकी तरह रोना भी आता है। बस इन्हीं 3 कामों में हम आपकी बराबरी करते हैं, इसीलिए हम पर दया दिखाइए, हमें और कष्ट मत दीजिए। ईश्वर ने तो हमें वैसे भी कष्ट देकर ही भेजा है, ऊपर से आप लोग हमें परेशान करते हैं। हम आपकी तरह मनुष्य नहीं है, हम पराधीन जीव है। जब हमारा जन्म हुआ उस समय हमारे आंख कान बंद थे। कह नहीं सकते कि उस समय आपके जन्म पर जैसे नाच गान होता है, बाजे बजते हैं, खुशी मनाई जाती है, हमारे जन्म पर भी यह सब हुआ होगा। हमारे जन्म पर किसने खुशी मनाई होगी? हम जिस बिछौने पर थे वो रुई की भान नरम तो था, सर्दी बिल्कुल नहीं लगती थी। मैं मन में सोच रहा था कि किसी बड़े घर में पैदा हुआ हूं, लेकिन जब हमारी आंख खुली तो मैंने देखा कि हमारी माँ, जिसे आप लोग कुतिया बोलते हो, वो अपने 4 बच्चों को छाती से चिपटाकर एक भार की राख में पड़ी थी। हम 4 भाई थे, बाकी 3 भाई तो लाल और भूरे रंग के थे। मैं अकेला काला था, सबसे छोटा मैं ही था, इसीलिए कमजोर भी था। मेरी माँ हम लोगों के पास जब तब आती थी क्योंकि उसे भी अपने भोजन की व्यवस्था करनी पड़ती थी। यदि वो ना खाती तो हमें दूध कहाँ से पिलाती? उस एक पर हम 4 निर्भर थे। वो बेचारी अपने भोजन के लिए इधर उधर दौड़ती रहती थी, कभी भोजन मिल भी जाता था, कभी नहीं मिलता था, लेकिन वो हमेशा हम 4ों का बड़ा ख्याल रखती थी। आखिर माँ जो थी वो रात रात भर जागकर गांव की रखवाली करती थी। मजाल क्या जो अनजान आदमी बुरी नीयत से गांव की ओर भी झांक जाए। दूसरे गांव के कुत्ते भी हमारी माँ के डर से गांव में नहीं आते थे। गांव के किसी किसान के खेत में कोई साढ़ या नील गाय फसल खाने आती तो हमारी माँ उसे दौड़ाकर भगा देती। गांव वालों के लिए इतना सब करने के बाद भी कोई हमारी माँ को स्वेच्छा से भोजन नहीं देता था, उसके लिए उसे मजबूर होकर छीना झपटी करनी पड़ती थी। कई बार तो लोग उसे लाठी डंडों से पीटकर भगा देते। बेचारी उस दिन भूखी रहकर पेट की आग से जलती रहती थी। आखिर भूख तो हमें आपकी ही तरह लगती है। ऊपर से उसे अपने 4 बच्चों की चिंता लगी रहती थी। आखिर माँ जो थी, जब भूख उसे चैन से बैठने नहीं देती और गांव वालों का भी उसे देखकर हृदय नहीं पसीजता, तो बेबस होकर के उसे लोगों के घरों में चोरी से घुसना पड़ता था, और खाने की कोई चीज मिल जाती तो उसे खाकर अपने पेट की आग बुझा लेती। कई बार तो लोग उसे खाने की वस्तु ले जाते, देख तो लाठी डंडे लेकर उसके पीछे पड़ जाते। कुछ निर्दयी लोग तो कई बार उसे घर के अंदर बंद करके पीटते थे, हमारी माँ का बुरा हाल कर देते थे। क्या बिगाड़ा था उसने? सिर्फ अपने पेट के लिए भोजन ही तो चुराया था। चोरी करने का हमें कोई शौक नहीं है, पर पापी पेट हमें यह सब करने के लिए मजबूर कर देता है। एक दिन की बात, बड़ी ठंडी बरसात हुई, ओले पड़े थे, ठंडी हवा चल रही थी। उस ठंड में ठिठुर कर हमारे 2 भाई मर गए। उस दिन हमारी माँ बहुत रोई, लेकिन मनुष्य हमारी पीड़ा क्यों समझेगा? उसके बच्चे थोड़े ही मरे थे, अब हम सिर्फ 2 भाई रह गए थे। हमारी माँ हम दोनों की अच्छे से देखभाल करने लगी थी। एक दिन उसी गांव में एक बनिए के घर पर दावत चल रही थी, पूड़ियां बन रही थी। बनिए के घर काफी मेहमान आए हुए थे। हमारी माँ कुछ खाने की तलाश में बार बार उधर जाती, लेकिन लोग उसे दुत्कार कर भगा देते। किसी को उस पर इतना तरस नहीं आया कि एक पूढ़ी उस बेचारी को खाने को फेंक दे। एक पूढ़ी से उनका क्या बिगड़ जाता? मेरी माँ ललचा ललचा कर रह जाती। माँ वहीं खड़ी खड़ी देखती रही। दोस्तों, उधर बनिए के आंगन में दावत खाने का सिलसिला चालू हुआ, भोजन परोसा जाने लगा। माता जी भी वही जाकर पूछ हिलाने लगी। खाना परोसने वाला आदमी जब किसी काम से भीतर गया तो मेरी माँ दबे पांव पुढ़ियों के छकड़े के पास पहुंच गई। अब तो उसे देखकर 4ों तरफ से दूधू हाहा धत धत की आवाज होने लगी।
चारों ओर से लोग चिल्ला चिल्ला कर ऐसे भागे, मेरी माँ वो चीख पुकार सुनकर घबरा गई। दो तीन आदमी डंडे लेकर उसके ऊपर से बड़ी बेरहमी से दौड़े। मेरी माँ वहां से घबरा कर भागी, मगर उसे वहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं मिला, क्योंकि सामने से लोग डंडे लेकर आ रहे थे, तो माँ जो लोग वहां खाना खा रहे थे उनके ऊपर से होकर गुजरती हुई मोरी के रास्ते से बाहर निकल गई। मेरी माँ अपने निकलने पर इतनी हैरान नहीं थी जितनी कि उन लोगों को देखकर हुई थी जो वहां पर दावत खा रहे थे। वे सब उठकर खड़े हो गए। उन्होंने भोजन करना छोड़ दिया, कह रहे थे कि कुत्ते के लांग जाने के कारण भोजन भ्रष्ट हो गया है। सब एक दूसरे से विचार कर रहे थे कि अब क्या किया जाए, खाना तो सब खराब हो गया। बेचारा बनिया फूट फूट कर रोने लगा। कुछ लोग तो ये भी कह रहे थे, भाई कुतिया के लांघने से भोजन खराब कैसे हो गया, उसने खाने में या पतलों में मुंह थोड़े ही डाला है, सिर्फ ऊपर से निकल ही तो गई है। लेकिन उनमें कुछ लोग बड़े घरों से ताल्लुक रखते थे, उन्होंने एक भी नहीं चलने दी। कह रहे थे कि भोजन तो भ्रष्ट हो गया, ये हमारे खाने के लायक नहीं है। आखिरकार उन्हीं की बात मानी गई, अब तो वो सारा भोजन गरीबों में बांट दिया गया। उस दिन तो मेरी माँ को खूब पेट भर के खाना मिला था। ऐसा सुख उसने जीवन में कभी नहीं पाया था, लेकिन वो सुख उसके लिए बड़ी मुसीबत बन गया। वो भोजन करके वहां आराम से लेटी थी, लेकिन उतने में वो बनिया डंडा लेकर वहां आ पहुंचा और उसे बुरी तरह से पीटने लगा। उसे बाहर से भागने का भी कोई अवसर नहीं मिल पाया। डंडों की चोट से वो बुरी तरह चिल्लाने लगी। माँ का विलाप सुनकर पत्थर भी पसीज जाता, पर उस निर्दयी को उस पर जरा भी रहम नहीं आया। वो उसे कठोरता पूर्वक पीटता रहा। माँ का वो आह का शोर पूरे गांव में सुनाई दे रहा था। तब कुछ लोग आए और उसे समझा कर बोले, भाई जाने दो, भूख में तो आदमी की भी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, वो तो एक पशु है, उसे अच्छे बुरे का क्या ज्ञान, अब उसे मारकर आपको क्या मिलेगा, जो होना था सो हो गया। लोगों के समझाने के बाद उसने हमारी माँ को पीटना बंद किया। माँ ने आकर सारी कहानी हम दोनों भाइयों को सुनाई। हमने सोचा कि कितना कष्ट भरा है हमारा। हम कुत्तों का जीवन आदमी एक रोटी के टुकड़े के बदले एक चोर की जितना पीटता है, धिक्कार है ऐसे लोगों पर जो हम लोगों की पीड़ा को नहीं समझते। एक दिन की बात और बताओ, गांव में एक बाहर का मुसाफिर आकर ठहरा हुआ था। उसने अपने भोजन के लिए एक जगह चूल्हा बनाया था और उस पर दाल बनने के लिए रख दी। उसके बाद आटा गूंद कर रख दिया। वो वहीं पास में कुएं पर पानी लेने चला गया। इधर कहीं से मेरी माँ भी घूमती हुई वहीं पहुंच गई। उसने गुथे हुए आटे को रखा देखा तो सोचा कि शायद इस आटे का कोई मालिक नहीं है। यही सोचकर वो उस आटे को खाने लगी। उधर राहगीर ने कुएं के पास से देखा कि उसका आटा एक कुतिया ने आकर खा लिया है, तो वो बड़ा दुखी हुआ। वो बेचारा माथे पर हाथ धरकर रोने लगा, क्योंकि वो भी दो तीन दिनों का भूखा और थका हारा था। दोस्तों, कुछ लोगों ने उसे कहा, अरे भाई, इसने तुम्हारा भी आटा बिगाड़ दिया, कल तो इसने बनिए की पूरी रसोई ही बिगाड़ कर रख दी। मुसाफिर दुखी होता हुआ बोला, भाई मुझे क्या मालूम था ये दुष्ट कुतिया मेरे आटे को खाने के लिए घात लगाए जाने, कब से बैठी है। मुसाफिर ने आव देखा ना, ताव लाठी लेकर कुतिया के ऊपर टूट पड़ा। माँ उस आटे को ठीक से खा भी नहीं पाई थी, पर उससे ज्यादा की उस पर लाठी बरस गई। महीनों तक मेरी माँ लंगड़ाती हुई घूमती रही। तब उस दिन समझ में आया कि आदमी कितना खुदगर्ज है। हम उसका कोई कार्य करते हैं तो भी वो हमें नहीं समझता। हमारी कमी ये है कि हम उन्हीं मतलबी इंसानों के अधीन रहना चाहते हैं जो हमें कष्ट देता है, जो हमें प्यार से खिलाता है। हम उसके कितने काम आते हैं ये उन्हें नहीं पता। उसके घर की रखवाली तो करते ही हैं, साथ ही साथ और भी बहुत सारे लाभ हैं जिन्हें मनुष्य नहीं जानता। यदि वो हमें रोटी खिलाने के फायदे जान जाए तो बहुत से अपने जीवन में होने वाले नुकसानों से बच सकता है। आज मैं आपको बताऊंगा कुत्ते को रोटी खिलाने के 8 फायदे। मनुष्य को पता नहीं कि जब भी घर में रोटी बनाई जाती है तो सबसे पहली रोटी गाय की होती है और पिछली रोटी कुत्ते की होती है। ऐसा ही महापुरुषों ने विधान बनाया था, लेकिन भगवान की बनाए उस विधान को भूलकर मनुष्य अगली और पिछली रोटी स्वयं ही खा जाता है। इसका प्रभाव उसके जीवन पर बहुत बुरा पड़ता है। आइए जानते हैं कुत्ते को रोटी खिलाने के वे फायदे। मित्रों कहते हैं, कुत्ता वो प्राणी है जिसको रोटी खिलाने से मनुष्यों के जीवन में पढ़ने वाले ग्रहों के दोष भी दूर हो जाते हैं। पहला फायदा है कुत्ते को रोटी खिलाने का कि कुत्ते को रोटी खिलाने से शनि का नकारात्मक प्रभाव कम हो जाता है। कहते हैं, शनि ग्रह जब अपनी कुदृष्टि डालता है तो आदमी बर्बाद हो जाता है। जिस आदमी पर उनकी महादशा का आरंभ हो जाता है तो बने बनाए काम अपने आप बिगड़ने लगते हैं, वो आर्थिक तंगी का शिकार हो जाता है। उस स्थिति में आदमी यदि कुत्ते को रोटी खिलाता है तो उस पर शनि का कुप्रभाव बहुत कम हो जाता है। नंबर दो, दूसरा फायदा है कि कुत्ते को रोटी खिलाने से भाग्य आपके पक्ष में हो जाता है, आपके घर के अंदर नकारात्मक शक्ति नष्ट हो जाती है। नंबर तीन,
कुत्ते को रोटी खिलाने से माता लक्ष्मी प्रसन्न हो जाती है और आपके घर में धन दौलत की कभी कमी नहीं रहती। नंबर 4, कुत्ते को रोटी खिलाने से आपके ऊपर कर्ज नहीं चढ़ता और जो पहले से आप कर्जदार है उससे भी मुक्ति मिल जाती है। दोस्तों, 5वां फायदा है, कुत्ते को सुबह शाम भोजन देने से आपका व्यापार बहुत अच्छे से चलता है। नंबर 6, कुत्ते को रोटी देने से आपकी आयु में वृद्धि होती है और अटका हुआ धन वापस मिल जाता है। नंबर 7, कुत्ते को रोटी देने से हमेशा आपका स्वास्थ्य अच्छा बना रहता है और मानसिक रूप से आप मजबूत रहती है, मन ऊर्जावान रहता है, अच्छे विचार आपके मन के अंदर आते हैं। नंबर 8, कुत्ते को रोटी खिलाने से भगवान प्रसन्न रहते हैं, क्योंकि भगवान को समस्त जीवों की, समस्त प्राणियों की चिंता रहती है और जो समस्त जीवों पर दया दिखाता है भगवान भी उस मनुष्य से हमेशा प्रसन्न रहते हैं। भगवान की कृपा सदैव उस परिवार पर बनी रहती है जो इन मूक पशुओं पर दया दिखाता है। और इसके विपरीत, कुत्ते को मारने पीटने वाला मनुष्य दरिद्र होता चला जाता है। आपका भले ही कुत्ते ने नुकसान कर दिया हो, फिर भी उसे नहीं मारना चाहिए। कहते हैं, कुत्ता जब रोता है तो अपशगुन होता है। कोई संकट आता है, किसी की मृत्यु होती है, इसलिए कुत्ते को कभी रुलाना नहीं चाहिए। जो बीमार कुत्ते का, घायल कुत्ते का इलाज करवाता है उस पर अश्विनी कुमार सदैव प्रसन्न रहते हैं, वो मनुष्य सदैव निरोगी बना रहता है। दर्शक बंधुओं, उम्मीद करता हूं ये कहानी अच्छी लगी होगी, तो चलिए आगे भी दोस्तों में शेयर कीजिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक और चर्चा के साथ। जय श्री कृष्ण।